जैसा हमें पता है कि मिलिंग मशीन में हम जब भी टूल चेंजिंग कोड अप्लाई करते हैं, जैसे कि T1M6 किया है अभी मैंने, तो हर बार अपने ही होम पोजीशन पर आके वो टूल चेंज करेगा, करेक्ट। बट अभी हमें XY टेबल को मूव ही नहीं करना है, होम पोजीशन पर जाना ही नहीं है, तो वो कैसे करना है? लाइक T1M6 हमने अप्लाई किया तो वो पहले होम पोजीशन पर आएगा, टेबल की मूवमेंट होगी। बट अभी हमें क्या करना है कि टेबल की मूवमेंट करनी ही नहीं है, एज इट इज़ जहाँ पर टेबल है वहीं पर रहना चाहिए, सिर्फ टूल इंटरचेंज होना चाहिए। तो पहले हम इसे पहले तो Y0 एंड ऑफ लॉक इनपुट करके साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो गया वहाँ पर, नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है M50 एंड देन सपोज T02 M6 एंड ऑफ लॉक इनपुट, राइट, इस तरह से। तो हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, तो टेबल की मूवमेंट नहीं होगी XY की, वो होम पोजीशन पर नहीं जाएगा, एज इट इज़ XY की पोजीशन पर टूल चेंज हो जाएगा, जिससे हम साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।